हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टीकम सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फेस की मदद से। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाना है मोबाइल के अंदर, ठीक है। वो मोबाइल में यहाँ पे टाइप करना है आपको, ये दिखा देता हूँ वेबसाइट eAadhar.uidai.gov.in और स्कॉल एफ आधार, और यहाँ से सेंड ओटीपी आपको हटा देना है और यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे आधार नंबर डालने के लिए आया है, उसके नीचे आपको कैप्चा कोड डालना है और नीचे फेस ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन खुला है, ठीक। तो चलिए मैं आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ और इसके बाद ये कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे जाना है फेस ऑथेंटिकेशन पे, इस पर क्लिक करेंगे फेस ऑथेंटिकेशन पे तो आप देख सकते हैं ये दिखाएगा फेस ऑथेंटिकेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपना जो है करेक्ट लाइटिंग रखें और स्मूथ कैप्चर करें और ये सब कुछ बताया गया है, ओके करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका जो डिवाइस का कैमरा है उसको अलाउ करेगा यहाँ पे कैप्चर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये कैमरा अलाउ हो चुका है मेरा, अभी यहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फेस सक्सेसफुली डिटेक्टेड हो गया है और ये ऑथेंटिकेशन चेक करेगा कि आपके फेस को मैच करेगा, कि आपका फेस मैच करता है बायोमेट्रिक डाटा से या नहीं। उसके बाद एक नीचे सर्वे फॉर्म आया है, तो सर्वे फॉर्म को आप अपने हिसाब से भर सकते हैं जैसी आपको सर्विस मिलती है। उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। देखो, वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गई तो फाइल आधार कार्ड की वो हमें मिल जाएगी। अगर नहीं हुई होगी, आप नीचे देख सकते हैं डाउनलोडिंग फाइल, ये डाउनलोडिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, वो फाइल डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज भी आ गया कि आपका आधार संख्या ये डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं ऊपर मैसेज आ चुका है और नीचे डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। डायरेक्टली यहाँ पर आपको पता होगा आधार को कैसे खोलना होता है, आधार में सिंपली अपना पासवर्ड डालना होता है। दोस्तों, आपको मुझे लगता है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।